गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग इंडी प्रणव. चलिए तो गुड मॉर्निंग एवरीवन. और आज अपन कॉम्बिनेशन शुरू कर रहे हैं. परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन का बेसिक आइडिया आपको पहले ही दिया. कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन. जब भी आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा. अभी तक अपन ऑब्जेक्ट को अरेंज कर रहे थे बट नाउ वी हैव टू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स. जब भी सिलेक्शन वाली बात आएगी ऑब्जेक्ट्स को आपको सिलेक्ट करना होगा वहां पर अपन कॉम्बिनेशन लगाएंगे. सो सबसे पहले तो एक बेसिक फॉर्मूला कॉम्बिनेशन का अपन यहाँ पर लिख लेते हैं. तो इसमें लिखेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में नेक्स्ट सब हेडिंग है कॉम्बिनेशन. और कॉम्बिनेशन का जो मतलब होता है वो होता है सिलेक्शन. जब भी क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करने पर आएंगे वहां पर कॉम्बिनेशन लगेगा. तो इसमें जो सबसे पहली बात है टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस. Of n different things taken r at a time is given by यह है फॉर्मूला. एन टोटल ऑब्जेक्ट है उसमें से आपको आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है. तो टोटल ऊपर लिखे जाएंगे जितने सिलेक्ट करना है वो नीचे मेंशन करना है आपने. और सी फॉर कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन. एंड दी फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एनसीआर ये भी आप पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एनसीआर के लिए फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल. यहां पर n आपका नेचुरल नंबर होगा r होल नंबर होगा और r का वैल्यू हमेशा n से छोटा या फिर n के बराबर. तो ये रिस्ट्रिक्शन है. n आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए मतलब n बिलोंग्स टू कैपिटल N, r बिलोंग्स टू W सेट ऑफ होल नंबर्स. और साथ में r की जो रिस्ट्रिक्शन है r का वैल्यू आप जीरो से लेके एन तक ले जाते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपको सिलेक्ट करना है वो कभी भी टोटल ऑब्जेक्ट से ज्यादा नहीं हो सकते. आर का वैल्यू मैक्सिमम एन हो सकता है मिनिमम जीरो हो सकता है. तो ये आर पे रिस्ट्रिक्शन है. इसलिए आर कोई होल नंबर है और एन आपका नेचुरल नंबर है. इतनी रिस्ट्रिक्शन है एन सी आर के लिए. ये फॉर्मूला है एन में से आर ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए फॉर्मूला. कुछ बातें नोटेबल है यहां पर नोट में लिख लेंगे ये बातों को. सबसे पहला बात की जो एनसीआर है इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय एन
NCR is also denoted by NR या फिर CN. तो ये तीन सिंबल हैं टोटल NCR के लिए. या तो आप NCR लिखें या फिर इस तरीके से ब्रैकेट लगा के N और R लिखें. अपॉन अपॉन का कोई साइन नहीं है, केवल सिंपली ब्रैकेट लगाना है स्मॉल और N के नीचे R लिखते हैं, या फिर इसको CNR लिखते हैं. C फॉर कॉम्बिनेशन एंड टोटल ऑब्जेक्ट्स और R जो आपको ऑब्जेक्ट्स. पहले टोटल ऑब्जेक्ट्स लिखेंगे, बाद में जो सिलेक्ट करना है वो लिखेंगे. तीन में से कोई भी एक नोटेशन कभी भी आपको देखने को मिल सकता है. ये NCR के लिए नोटेशन है. और दूसरी बात, ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं NCR और NPR में रिलेशन होता है. ये सेकंड अपना पॉइंट है कि NPR जो होता है, NPR इज इक्वल टू NCR इनटू R फैक्टोरियल. मतलब जब भी आपको N में से R ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, उसका तरीका ये भी होता है कि N में से R ऑब्जेक्ट्स को पहले सिलेक्ट कर लें और फिर बाद में उन R ऑब्जेक्ट्स को आप अरेंज कर लें. तो R फैक्टोरियल लगा दिया है. तो ये दो बातें नोटेबल हैं जो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार यहाँ पर मेंशन कर दिया. तो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. और इतनी सी एक बात पर अपन एक पहले क्वेश्चन करेंगे और फिर अपन इसमें आगे चलेंगे. सो ये है कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला. टेक दी स्क्रीनशॉट. मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2. Where we discuss question based upon this concept. So page number 2 देखिए अभी. So first point में जो N और R है वो एक दूसरे मतलब ऊपर ही रहेंगे क्या? क्या बोले? मतलब वो N और R जो है वो एक दूसरे के ऊपर रहेंगे ऐसे जैसे fraction में होते. Fraction रहता है लेकिन fraction का sign नहीं आता, केवल N लिखना है और R लिख देना है बस. Okay sir. स्क्रीनशॉट लीजिए और अब एक क्वेश्चन करेंगे अपन इस पर, फिर चलेंगे स्टोरी में आगे. क्वेश्चन यह है कि इफ स्मॉल ए डिनोट्स नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एक्स प्लस 2 ऑब्जेक्ट्स taken all at a time small b is number of permutations of x objects taken 11 at a time and C denotes number of permutation of x minus 11 objects taken all at a time such that a is equal to 182 bc. So x ka value kitna hai? ऑप्शन है 15, 12, 10, 18. सर ये हमें करना है क्या? यस.
Which one is correct? सही बात क्वेश्चन पढ़ सकते हैं. क्वेश्चन है इफ स्मॉल ए डिनोट्स नंबर ऑफ परमिटेशंस ऑफ एक्स प्लस टू ऑब्जेक्ट्स x plus 2 objects taken all at a time. Small b denotes number of permutation of x objects taken 11 at a time. 11 लेना. And c denotes number of permutations of x minus 11 objects taken all at a time. So you have to find the value of x, जबकि आपको given है a is equals to 182 bc. Small a बराबर 182 times of bc. अर्णव यादव आपका आंसर एकदम सही. वेरी गुड अर्णव. अर्णव यादव करेक्ट है. प्रणव इंग्लिश चेक करें और बी फास्ट. जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी नई चीज आपके सामने आएगी. अक्षर चेक करें. सॉरी अक्षर हाँ चेक करें. अक्षर गलत जवाब. अरमान करेक्ट है. अरमान नहीं सॉरी. तो अमन अमन करेक्ट है. अंशु बगने करेक्ट है. आर्यन गणवीर भी करेक्ट है. मानसी भी करेक्ट. हर्ष मेश्राम करेक्ट. रवि कुमावत चेक करें. ये गलत हो गया. हुजूर मेश्राम सही है. अमी हिंगली चेक करें. तेज प्रताप सिंह भी चेक करें. सुजल करेक्ट है. प्रणव इंग्ले गलत जवाब. आयुष करेक्ट है. अक्षत राम टेके भी करेक्ट. ओके सो स्टॉप आंसरिंग. हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. आप देख लीजिए. तेज प्रताप सिंह करेक्ट है अभी. और ऐसे ही एक दो क्वेश्चन फिर आप आगे डिस्कस करेंगे अपन. चलिए स्टॉप आंसरिंग. करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 12. सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है. देख लीजिए कहाँ आप फंस गए. तो 12 इज द करेक्ट आंसर. बड़ा सिंपल था. जैसा जैसा आपको दिया था बिल्कुल वैसे ही वैसे ही सॉल्व भी करना था. आपको ए स्मॉल ए दिया है. एक्स प्लस टू ऑब्जेक्ट्स में से सारों को एक साथ लेना है. तो अरेंज करने के टोटल नंबर ऑफ बेस एक्स प्लस टू फैक्टोरियल हो जाएंगे क्योंकि एक्स प्लस टू पी टू आएगा. ये स्मॉल ए हो गया.
फिर 182 टाइम्स बी आपको दिया है, एक्स ऑब्जेक्ट में से 11 को आपने अरेंज करना है, तो फिर एक्स पी 11 और इनटू सी आपको दिया है, एक्स माइनस 11 ऑब्जेक्ट में से सारों को अरेंज करना है, तो एक्स माइनस 11 फैक्टोरियल। ना इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज एक्स प्लस 2 इनटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स फैक्टोरियल, ये 182 टाइम्स, और इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स फैक्टोरियल अपॉन एक्स माइनस 11 फैक्टोरियल, और दिस इज एक्स माइनस 11 फैक्टोरियल, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और एक्स फैक्टोरियल भी कैंसिल, पूरे फैक्टोरियल कैंसिल हो गए। नाउ एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 11 और एक्स प्लस 1, और ये जो 182 है 14 इंटू 13 14 इंटू 13 होता है, एक्स प्लस 2 बराबर 14 एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एक्स इज 12। बारह इज द करेक्ट आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन था, जैसा जैसा दिया था वैसे ही सॉल्व भी करना था। सो नाउ टेक दी स्टेप, बताइए ना कौन सा वाला सर? फर्स्ट फर्स्ट स्टेप में स्मॉल ए का वैल्यू दिया है, स्मॉल ए नंबर ऑफ परमिटेशंस ऑफ एक्स प्लस 2 ऑब्जेक्ट्स हैं टेकन ऑल एट अ टाइम। तो यदि आपको n में से n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है तो n p n मतलब n फैक्टोरियल होता है, यहाँ पर n की जगह x प्लस 2 दिया है, x प्लस 2 ऑब्जेक्ट्स में से x प्लस 2 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करेंगे तो x प्लस 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही जो b है वो डिनोट कर रहा है x ऑब्जेक्ट्स में से 11 को अरेंज करना है तो x p 11, और c जो डिनोट कर रहा है x माइनस 11 में से सारों को अरेंज करना है तो x माइनस 11 फैक्टोरियल। एक बार ये रिलेशन आपने सही सही बना लिया, बाकी अब आपकी कोशिश यह रहना चाहिए कि जितने फैक्टोरियल के सिंबल हैं वो कट जाए, इसलिए बड़ा वाला छोटे वाले में कन्वर्ट होगा। सो इसमें फॉर्मूला जब डालेंगे तो x फैक्टोरियल अपॉन x माइनस 11 फैक्टोरियल, ये पूरा कट जाता है। अब यहाँ x फैक्टोरियल है और यहाँ x प्लस 2 फैक्टोरियल, तो मैंने x प्लस 2 को x फैक्टोरियल में रिड्यूस किया इस तरीके, तो x फैक्टोरियल कट जाता। उसके बाद वी गेट अ क्वाड्रेटिक, उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर देना तो एक्स का वैल्यू 12 दे देगा। सर मैंने जब क्वाड्रेटिक को स्टेप वाइज सॉल्व किया तो -15 भी आया उसकी वैल्यू, -15 भी वैल्यू आई। हां मतलब 12 भी आया -15 भी आई है। हां तो नेगेटिव वैल्यू नहीं कंसीडर करेंगे ना, एक्स का वैल्यू -15 लोगे तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स नेगेटिव कैसे हो जाएंगे, तो नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते। ओके सर, ये केवल एक कंसिडर, इसलिए जो आपको वैल्यूज बनेंगी एक्स की जो भी दो वैल्यूज बनेंगी यहाँ से सीधा एक ही वैल्यू मिलता है, और लेकिन जब आप क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हो दो वैल्यूज मिलती हैं तो दोनों में से आपको ये चेक करना है कौन सा कंसिडर किया जाए या कौन सा नहीं किया जाए। -15 यदि आता है तो -15 पहली बात तो ऑप्शन में नहीं है, और दूसरा आप इंक्लूड नहीं करोगे क्योंकि x का वैल्यू -15 लोगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स नेगेटिव हो जाएंगे विच इज नॉट पॉसिबल, तो ऑब्जेक्ट्स नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मूविंग ऑन टू थर्ड पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये कॉम्बिनेशन, ये परमिटेशन का था और अब एक और क्वेश्चन अपन कर रहे हैं जिसमें अपन कॉम्बिनेशन लेंगे। जो अभी आपको सिलेक्शन का कंसेप्ट समझाया वो सिलेक्शन का कंसेप्ट पर क्वेश्चन देखिए आप। A box contains five different red balls and six different white balls.
In how many ways can six ball be drawn? So that there are at least two balls of each color. There are two balls of each color. So this is the question. Subjective है, आप अपना आंसर करेंगे. ऑप्शंस नहीं है. तो ये पहला क्वेश्चन अपन ने यहाँ पर सिलेक्शन पे लिया. एक बॉक्स है जिसमें पांच रेड बॉल्स डिफरेंट कलर डिफरेंट और सिक्स व्हाइट बॉल्स हैं. फाइव डिफरेंट रेड बॉल्स, सिक्स डिफरेंट व्हाइट बॉल्स. आपको छह बॉल इस बॉक्स में से निकालने हैं और इस तरीके से कम दो बॉल हर कलर के होना चाहिए. देयर आर एट लीस्ट टू बॉल्स ऑफ ईच कलर. मधुल मेश्राम चेक करिए. सर वो लास्ट लाइन एक बार फिर से समझिए. देयर आर टू बॉल्स ऑफ ईच कलर. देयर आर एट लीस्ट टू बॉल्स ऑफ ईच कलर. ओके अभिनव यादव वेरी गुड करेक्ट है. हर सोमवार पे चेक करें. अक्षत राम देखे चेक करें. अभिषेक बहादुर करेक्ट वेरी गुड. प्रणव इंगले करेक्ट वेरी गुड. अक्षत रामटेके करेक्ट है. अभी अमन करेक्ट है वेरी गुड. आर्यन गणवीर करेक्ट वेरी गुड. अंशु बगने चेक करें गलत हो गया. चलिए तो देख लीजिए आप उसका आप सोल्यूशन हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ सम. सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 425. 425 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.
And to solve this question, आपको बताना है कि छह बॉल निकालने के टोटल कितने तरीके होंगे, जबकि किसी बॉक्स में पांच रेड बॉल्स और छह व्हाइट बॉल्स हैं। और एक रिस्ट्रिक्शन और है कि कम से कम दो बॉल हर कलर के होना चाहिए, एटलीस्ट टू बॉल्स ऑफ ईच कलर। तो देखिए, सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि टोटल छह बॉल निकालने हैं, तो मैं पांच रेड बॉल में से पहले दो रेड बॉल सिलेक्ट कर लेता हूँ 5C2, क्योंकि आपको बोला है कि कम से कम दो बॉल तो हर कलर के आपको निकालना है। तो पांच रेड बॉल में से दो रेड बॉल सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ बेस 5C2, और अब आपके पास बचे हुए हैं छह व्हाइट बॉल्स, और उसमें से अब मेरे को निकालने पड़ेंगे चार, क्योंकि मेरे को टोटल छह बॉल निकालने। तो पहला केस आपका ये बनेगा, ये हमेशा याद रखें, ऊपर का जो सम आएगा वो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होंगे 11, और नीचे का सम वो होगा जितने बॉल्स आपको सिलेक्ट करने हैं। तो वी हैव टू सिलेक्ट 6 बॉल्स, तो 2 + 4 = 6, हमेशा इन दोनों का सम 6 होना चाहिए, इन दोनों का सम 11 होना चाहिए। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, प्लस अब मैं पांच में से तीन रेड बॉल निकाल लेता हूँ और छह में से तीन व्हाइट बॉल निकाल। अभी भी देखिए दोनों का सम 11-11 है, और ये 3 और 3 = 6 हो। और लास्ट पॉसिबिलिटी है कि पांच में से मैं चार रेड बॉल निकाल लेता हूँ और छह में से दो व्हाइट बॉल निकाल लेता। अगली जो पॉसिबिलिटी बनती वो पांच में से पांचों रेड बॉल बट छह में से एक व्हाइट बॉल हो जाता, जो कि हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमको कम से कम दो बॉल हल करल के रखना है। मतलब यहाँ पर जो सफिक्स है वो कोई भी सफेद दो से छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको बोला है कम से कम दो बॉल हर कलर के होना चाहिए। तो इतने पॉसिबिलिटीज आर देयर। अब इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 5C2 का वैल्यू जो होता है 5/4/2 मतलब 10 आता है, 6C4 का वैल्यू 62 के बराबर होगा, तो 6/5/2 15 आएगा, प्लस 5C3 का वैल्यू 5/4/3 और नीचे 3 2 1, तो 3 के आंसर हो जाएगा 2 10, 5C2 आता है, सॉरी 6C3 का वैल्यू 6 5 4 3 2 1 20 आएगा, 5C4 का वैल्यू 5C2 के बराबर होगा, 5 × 4/2 = 10, 6C2 का वैल्यू 6 5 15 आएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 150, 200 और इट इज अगेन 150। गड़बड़ हुआ कहीं कैलकुलेशन में, देखो कौन सी वैल्यू गलत निकली, 62 का वैल्यू 63, 6 बॉल थे ना, 5C2 का वैल्यू 10, 5/4/2 नहीं 5 10 6 5 15, वही सही 5C3 5C2 के बराबर होता है, 6C3 का वैल्यू 6 5 4 20, 5C3 5C4 5C1, ये 5 आए, तो ये 75 होता है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 425 है, तो 5C4 का वैल्यू 5C1 होगा, 75, तो 425 इज द करेक्ट आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कहीं डाउट होगा तो पूछ लीजिए। 425 करेक्ट है सर। एक बार क्वेश्चन फिर से समझा दीजिए ना। क्वेश्चन में आपको 6 बॉक्स जो है उसमें ये बॉक्स है, इसमें 5 डिफरेंट रेड बॉल दिए हैं, रेड बॉल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, और व्हाइट बॉल आपको दिए 6। ये व्हाइट बॉल सारे डिफरेंट हैं, व्हाइट बॉल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि आपको टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इस बॉक्स में 11 है, ये टोटल बॉल्स हैं, और आपको इसमें से जो सिलेक्ट करना है
छह बॉल प्लेट, छह बॉल बॉक्स में से निकाल लें, बट जब आप निकालेंगे तो रिस्ट्रिक्शन ये है कि कम से कम दो बॉल हर कलर के आपको निकालने। तो आप शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ये जो रेड बॉल है पांच, ये पांच रेड बॉल में से कम कितने निकालने, दो, इसलिए सबसे पहले हमने पांच में से दो रेड बॉल निकाल ली। तो ये पांच में से दो रेड बॉल सिलेक्ट करने के तरीके हो गए। अब आपके पास बची छह व्हाइट बॉल, और जो निकालना बचा वो अब रह गया चार, क्योंकि दो निकाल चुके हैं, टोटल छह निकालने, इसलिए इन छह में से कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे, चार, 64। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इसमें से तीन सिलेक्ट कर लें, इसमें से तीन सिलेक्ट कर लें। या तीसरी और लास्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इसमें से चार सिलेक्ट कर लें, इसमें से दो सिलेक्ट कर लें। और कोई पॉसिबिलिटी आर नॉट देयर, क्योंकि बिकॉज आपको ये कम से कम छह बॉल यहाँ पे निकालने हैं, सॉरी टोटल छह बॉल निकालने हैं और कम से कम दो बॉल हर कलर के निकालने हैं। तो ये है पॉसिबिलिटी। तो ये हमेशा याद रखेंगे, आपको ये बोला है कि छह बॉल निकालने हैं, तो जो सिलेक्ट करना है वो नीचे आता है, इसलिए इन दोनों का सम कभी छह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये देखो दो और चार, तीन और तीन, चार और दो, तो टोटल बॉल आपके पास 11 है, इसलिए इन ऊपर वाले जो सफिक्स हैं इनका जो सम है कभी 11 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हमेशा ये 11 रहे। सर हाँ बोलो। सर अगर आइडेंटिकल डिफरेंट की जगह आइडेंटिकल होता तो? देखिए आइडेंटिकल बॉल में इन सब की वैल्यू जो है वो 1 ही आती है, क्योंकि यदि बॉल्स आपके आइडेंटिकल हो जाएंगे तो उनको सिलेक्ट करने का नंबर ऑफ बेस केवल एक ही होता है। यदि मेरे पास पांच बिल्कुल सेम साइज, सेम शेप के, सेम कलर के पांच आइडेंटिकल रेड बॉल्स हैं, और मैं आपको उसमें से बोलूं कि उन पांच में से एक बॉल सिलेक्ट करो, तो उसका आंसर होगा एक। यदि मैं आपको बोलूं पांच में से दो बॉल सिलेक्ट करो, तो भी आपका आंसर होगा एक। मैं यदि आपको बोलूं कि पांच में से तीन बॉल सिलेक्ट करो, तो भी आपका आंसर होगा एक। और मैं आपको बोलूं पांच में से पांचों बॉल सिलेक्ट करो, तो भी आपका आंसर होगा एक। तो जब नंबर ऑफ बॉल्स, मतलब जो आपको गिवन बॉल्स हैं या गिवन थिंग्स हैं या गिवन ऑब्जेक्ट्स हैं, वो आइडेंटिकल होंगे, तब नंबर ऑफ सिलेक्शन जो है, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन या टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन हमेशा वैल्यू 1 देता है। इस बात को मैं आगे आपको लिखाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल आपको डिफरेंट रेड बॉल दिए थे, डिफरेंट रेड बॉल का मतलब यही है कि वो आइडेंटिकल नहीं है, और इसलिए अपन यहाँ पर कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। यदि ये आइडेंटिकल होते तब तो इन सब की वैल्यू 532 का वैल्यू भी 1 आता, 64 का वैल्यू भी 1 आता, सब कुछ 1 1 1। नॉट टेक दी स्क्रीनशॉट। तो धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन प्रीवियस थ्योरी पर ले लेते हैं, और फिर मैं कॉम्बिनेशन में नई बात आपको एक बताऊंगा जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो पेज नंबर 4 पर आप मेरे को बताओ, यू हैव टू दो क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो है कि हाउ मेनी फोर लेटर वर्ड can be formed from the letters of the word. Answer. How many of these
स्टार्ट विथ अ वॉवल. पिछला भी रिवाइज करते जा रहे हैं साथ साथ ताकि उसको एकदम से ना भूलें. सर आपने जो मेथड बताए थे पहले की क्लास में वही मेथड अप्लाई करना है. मेथड लगा सकते हैं बस आपको आंसर सही करना है. मधुल मेश्राम चेक करें. फर्स्ट का रॉन्ग है प्रतीक चेक करें. आयुष चेक करें. मानसी चेक करें. कुणाल चेक करें. बाप रे इतना रॉन्ग हो गया तुम लोगों का. पांच चीज पूछ रहा है. अर्नव यादव चेक करें. अमन चेक करें. बाप रे सर फर्स्ट क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है ना. हाँ फर्स्ट का चेक करो. प्रतीक प्रणव चेक करो. साहिल साहू फर्स्ट का करेक्ट है. वेरी गुड. आज मेश्राम फर्स्ट के दोनों करेक्ट हैं. वेरी गुड. मानसी फर्स्ट का फर्स्ट करेक्ट है. सेकंड रॉन्ग है. और थर्ड भी चेक करो. अर्नव यादव चेक करिए. अभिषेक भास्कर चेक करिए. साहिल साहू सेकंड करेक्ट है फर्स्ट का. अंशु बगने फर्स्ट के दोनों करेक्ट हैं. प्रतीक चेक करें. मधुल मेश्राम चेक करें. अक्षत रामटेके चेक करें. तेज प्रताप फर्स्ट के दोनों करेक्ट है. वेरी गुड तेज. संस्कृति फर्स्ट का फर्स्ट करेक्ट है. सेकंड रॉन्ग है. थर्ड करेक्ट है. मतलब सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है संस्कृति इंग्लिश बट फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड वाला पार्ट रॉन्ग है उसको चेक करिए. अमन चेक करें. कुणाल फर्स्ट का फर्स्ट करेक्ट है. साहिल साहू करेक्ट है सेकंड क्वेश्चन का आंसर. हर्ष मेश्राम सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है. हर्ष अंबाते सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है. अभिषेक भास्कर सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है. नहीं आयुष रॉन्ग हो गया ये. सात्विक फर्स्ट का फर्स्ट चेक करो. अंशु बगने सेकेंड करेक्ट है. स्वयं फर्स्ट का फर्स्ट करेक्ट है बट सेकेंड रॉन्ग. मानसी तीनों करेक्ट है. हर्षल भाकरे दूसरा करेक्ट है. प्रतीक फर्स्ट का सेकेंड चेक करिए रॉन्ग हो गया. अमन फर्स्ट चेक करिए. अक्षत रामटेके चेक करें रॉन्ग है. चलिए सो स्टॉप आंसरिंग एंड हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चंस.
तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। तेज प्रताप करेक्ट है रैंक। तो देखिए अभी सॉल्यूशन में सबसे पहली बात, हमको आंसर में टोटल 6 लेटर दिए हैं और आपको 4 लेटर वर्ड बनाना है। टोटल 6 लेटर आपको दिए हैं। पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो सिंपली 64 हो जाएगा। 64 मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, विच इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, जो कि आता है 360। और दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ दीज स्टार्ट विद अ वॉवेल। तो आपके पास 3 ही वॉवेल्स हैं, कोई है ए और ई, इनसे शुरू होने वाले आपको वर्ड चाहिए। तो फर्स्ट पोजीशन पे ए या ई में से कोई एक आ सकता है, तो फर्स्ट प्लेस को फिलअप करने के नंबर ऑफ बी जाएंगे। दो एक डालने के बाद अब आपके पास टोटल लेटर बचे 5, उसमें से अरेंज करना है आपको 3 को, क्योंकि यू हैव टू फॉर 4 लेटर वर्ड। एक यहाँ डाल चुके, अब आपको 5 में से 3 अरेंज करना। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5p3 का वैल्यू 5 × 4 × 3 आएगा, ये टोटल 120 करता है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर 120 है। फर्स्ट का फर्स्ट 360 और सेकंड जो है वो 120 आता है। और ये कुछ बच्चों ने आंसर किया तेज के बाद। अमन का रैंक करेक्ट है, कुणाल करेक्ट है, मधुल मेश्राम भी करेक्ट है। तो रैंक तो सभी का सही आ रहा है, वेरी गुड। नाउ वी मूविंग ऑन टू रैंक ऑफ द वर्ड रैपिड। और रैपिड के लिए सॉल्यूशन में सबसे पहले इस रैपिड वर्ड को लिखने के बाद आप इसका अल्फाबेटिक ऑर्डर में इनको रैंकिंग देंगे। तो ये फर्स्ट पोजिशन पर आता है, सेकेंड, ये इनकी रैंकिंग हो जाएगी 5, 1, 4, 3, 2। और अब आपको बताया था यहाँ 5 से छोटे कितने नंबर थे, 4 नंबर थे। 1 से छोटा कोई भी नंबर नहीं है, 4 से छोटे 2 है, 3 से छोटा 1 है, 2 से छोटा कोई भी नहीं है। फिर 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 24 96 0 4 1 0 रैंक निकालने के लिए प्लस 1 ऐड करें। तो ये 101 प्लस 2 102 हो जाएगा। तो 102 आएगा रैपिड का रैंकिंग। नॉट टेक दी स्क्रीन शॉट, कोई डाउट होगा कैलकुलेशन में तो पूछ लीजिए। तो ये करेक्ट आंसर है 360, 120 और 102। Now we moving on to some properties of combination, जो कि binomial theorem में भी आप पढ़ते थे, जिस पर बेस एक दो क्वेश्चन आपको लास्ट एग्जाम में भी मैंने दिए थे। ठीक है, सो प्रॉपर्टीज को एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं, आगे कॉम्बिनेशन में अपन को हेल्प करेंगे। तो मूविंग ऑन टू सम प्रॉपर्टीज, या कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप इनको बोल सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन में। तो सबसे पहला जो रिजल्ट है जो आपको यूज करना है वो है, या अपन जब क्वेश्चन करते हैं तो जनरली यूज कर लेते हैं बिना उसको मेंशन किए हुए, तो इनको आप याद रखें, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इनकी। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि NCR = NCN - R होता है। जैसी आपको जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम इसको यूज करेंगे। कभी भी ये सफिक्स, ये जो सफिक्स आपको दिया है इसका वैल्यू इस एन से आधे से ज्यादा होगा तो हमेशा आप ये प्रॉपर्टी यूज करें। मतलब इसको अपन यूज करेंगे तब जब ये जो आर है इट इज मोर देन हाफ ऑफ एन।
आर का वैल्यू एन बाई टू से ज्यादा हो तो आप हम इसको यूज करेंगे। मतलब कहने का ये है कि मेरे को यदि टेन सी वन का वैल्यू निकालना है तो अपन ये प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी लगा के टेन सी वन को टेन सी नाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए अपन टेन सी नाइन में कन्वर्जन नहीं करेंगे। ठीक है, सिमिलरली यदि मेरे को टेन सी टू दिया है तो बाई द प्रॉपर्टी ये तो टेन सी एट आता है, टेन सी एट कैलकुलेट करने में आपको ज्यादा वक्त लगेगा, टेन सी टू जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। सिमिलरली टेन सी थ्री को इस प्रॉपर्टी से टेन सी सेवन लिख सकते हैं, टेन सी फोर को इस प्रॉपर्टी से टेन सी सिक्स लिख सकते हैं, टेन सी फाइव को इस प्रॉपर्टी से तो टेन सी फाइव लिख सकते हैं, ये तो रियर है। अब जब टेन सी सिक्स आएगा तो इसको टेन सी फोर लिखेंगे, ये अपन लिखेंगे, टेन सी सेवन आएगा तो टेन सी थ्री लिखेंगे, ये अपन कर सकते हैं, टेन सी एट आएगा तो अपन इसको टेन सी टू लिख सकते हैं, टेन सी नाइन आएगा तो अपन इसको टेन सी वन लिख सकते हैं, टेन सी टेन आएगा तो अपन इसको टेन सी जीरो लिख सकते हैं। तो जिन पर टिक लगा हुआ है उसमें आप देख रहे हो सफिक्स का जो वैल्यू है वो आधे से ज्यादा है, तो जब आधे से ज्यादा होगा तब ये प्रॉपर्टी यूज करिएगा तो आपका कैलकुलेशन के लिए टाइम बचेगा। तो ये शो कर रहा है कि मेरे को टेन सी वन कैलकुलेट करने आया और आपने ये प्रॉपर्टी लगा दिया तो वो और ज्यादा मुश्किल हो गया, टेन सी नाइन में कन्वर्ट हो गया। तो जब ये सफिक्स इस एन के आधे से ज्यादा होगा तो वी यूज दिस प्रॉपर्टी। सो दिस इज दी फर्स्ट प्रॉपर्टी, आपने पहले भी इसको बाइनोमियल थ्योरम में देखा है, इसको याद रखिएगा। मूविंग ऑन टू प्रॉपर्टी नंबर दो, एंड ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि एन सी जीरो और एन सी वन एन सी एन इन दोनों का वैल्यू वन, एन सी जीरो भी वन होता है और एन सी एन का वैल्यू भी वन होता है। और साथ में एक बार और आपने वहां पे सीखी थी कि यदि एन सी वन आपको लेना है तो इसका वैल्यू है। इतनी बातें आप याद रखेंगे कि यदि सफिक्स में जीरो है या फिर पूरा का पूरा एन है तो इसकी वैल्यू वन आती है, यदि वन है तो फिर ये एन होता है। ये सब प्रॉपर्टीज आप पहले देख चुके हो, एक बार सबका कलेक्शन एक साथ कर दे रहे हैं। मूविंग ऑन टू द थर्ड प्रॉपर्टी, इसका अपन ने बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन किया था कि कभी एन सी एक्स और एन सी वाई ऐसे दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट बराबर करके दिए हों तो हमेशा एक्स और वाई का जो सम होता है वो एन के बराबर होता है। ये तीसरा प्रॉपर्टी है, ये भी आप पहले देख चुके हैं। इजीली वेरी कोई भी आप नंबर लेके वेरीफाई कर सकते हो या डायरेक्ट फॉर्मूला डाल डाल के भी इनको वेरीफाई कर सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, याद रखेंगे तो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन इनका होता है। एक और आपको इस पर बेस्ड कल जो अपन ने पेपर डिस्कशन किया था वो पेपर पे क्वेश्चन हमने दिया था वेटिंग रूम में कौन टाइम शुरू। चलिए तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको दिया था प्रॉपर्टी नंबर फोर पे कि एनसीआर में यदि आपको एनसीआर माइनस वन ऐड करना है तो इन दोनों का सम एन प्लस वन सी आर। सबसे पहली बात तो ये ऐड तभी होंगे जब ये दोनों बराबर भी हों, और दूसरी बात इन दोनों सफिक्स में वन का डिफरेंस, तो जब ये ऐड हो जाएंगे तो इससे एक ज्यादा आता है और इन दोनों में जो बड़ा है वो आता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन सी थ्री प्लस टेन सी फोर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों में टेन टेन दिए, जब आप ऐड करोगे तो 10 से एक ज्यादा आएगा 11 और इन दोनों में जो बड़ा नंबर है वो आता है 11 सी 4 होगा इसका वैल्यू। इस पर बेस्ड अपन ने कल एक क्वेश्चन किया था, ठीक है, जो आपको पेपर में दिया था। सो ये प्रॉपर्टी नंबर चार, प्रॉपर्टी नंबर पांच, तो आप याद रखिएगा ये दो तीन और पहले आप ये देखें जो सब आप पढ़ चुके हो कि एनसीआर जो आता है एनसीआर को आप लिख सकते हो एन अपॉन आर और एन माइनस वन सी आर माइनस वन, बाइनोमियल में ऑलरेडी लिखी है, इजीली आप इस बात को भी वेरीफाई कर सकते। जैसे मैं आपको टेन सी थ्री बोलूँ, टेन सी थ्री को इस प्रॉपर्टी से आप क्या लिख सकते हो टेन बाई थ्री और एक एक कम हो जाएगा मेरा 9C, ठीक है। सो
ये प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन ये है कि एन और आर अपॉन में बाहर करके लिख दो और एक एक कम कर दो. सो एन सी आर इज इक्वल्स टू एन बाई आर एन माइनस वन सी आर माइनस. अगला जो है प्रॉपर्टी वो है प्रॉपर्टी नंबर 6. एन सी आर को यदि एन सी आर माइनस 1 से डिवाइड करेंगे इट इज एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर. इसका भी यूटिलाइजेशन आपने क्वेश्चन में देखा है कि एन सी आर को एन सी आर माइनस 1 से मतलब यही दोनों को पहले हमने ऐड किया था फिर यही दोनों को हमने यहाँ पर डिवाइड किया. ऐड करने पर ये एन प्लस 1 सी आर आता है और सबट्रैक्ट सॉरी डिवाइड करने पर इट इज एन माइनस आर प्लस 1. ये आपका बहुत टाइम सेविंग फॉर्मूले हैं. यदि आपको डायरेक्ट याद होंगे तो आप इनका फॉर्मूला डाल के सिंप्लीफाई करने के बजाय ये डाल दीजिए तो ये आपके टाइम सेव करेंगे. ठीक है तो ये सारी बातें आपने वहां पर देखी हुई हैं. और एक बात ये भी आप पहले देख चुके हो बाइनोमियल थ्योरम में आपको बताया था प्रॉपर्टी नंबर 7 एन सी जीरो प्लस एन सी वन और अप टू एन सी एन इसका वैल्यू टू रेज टू द पावर एन. ये आपने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा था. मैं आपको इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे दूँ ये कैसे आता है. तो आपने बाइनोमियल थ्योरम में 1 प्लस एक्स पावर एन का बाइनोमियल एक्सपांशन लिखा था जिसको आप लिखते थे एन सी जीरो फिर एन सी वन एक्स फिर एन सी टू एक्स स्क्वायर अप टू एट द लास्ट एन सी एन एक्स पावर एन. ये बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला है. और अब यदि इसी फॉर्मूला में आप बोथ साइड एक्स की जगह पर 1 डाल दें इफ यू पुट एक्स इक्वल्स टू 1 ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन एक्स की जगह 1 डालोगे तो ये 1 प्लस 1 टू पावर एन हो जाएगा और यहाँ पर ये बन जाते हैं एन सी जीरो एन सी वन अप टू एन सी एन मतलब सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट. ठीक है तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन यूज होता है. तो बाइनोमियल में जितने भी ये सारी बातें आपको बाइनोमियल में लिखाई हैं और बाइनोमियल में जो सी आप पढ़ते थे उसका मतलब कॉम्बिनेशन होता था ये वहां पर आपको बताया था. लेकिन अब जब आप कॉम्बिनेशन का चैप्टर पढ़ोगे तो ये चीजें बहुत ज्यादा यूज होंगी इसलिए एक बार रिवाइज करके आपके सामने रखा है. तो एक साथ इनका कलेक्शन हो गया. नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट कोई डाउट होगा इसमें तो पूछिए. चलिए मूविंग ऑन टू एक और क्वेश्चन का आप आंसर करें. पेज नंबर 6 क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर ऑफ स्क्वायर्स six x should be written in such a manner that every row contains at least one key. And how many number of ways
it is possible. आपके ऑप्शन है और फिगर आपको ये दिया है. इस फिगर में नीचे भी है इस फिगर में आपको 6 ए को इस तरीके से लिखना है ताकि हर रो में एक ए बना रहे, एटलीस्ट 1 ए हर रो में आना चाहिए. टोटल कितने तरीकों से आप इन एस को इन बॉक्सेस में डाल सकते हैं. हर्ष मेश्राम करेक्ट है. वेरी गुड हर्ष. थैंक यू सर. ओके सर. वन मिनट और दे रहे हैं उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे. अंशु बगने चेक करें, कुणाल चेक करें. टोटल 8 जगहें हैं और हर रो में एक ए आना ही चाहिए. कोई भी नहीं होना चाहिए कि कोई रो विदाउट ए रह जाए. और आपके पास 6 ए हैं, मतलब 8 जगहों पर आपको 6 ए को फिलअप करना है. बट इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन ये है, कोई भी रो खाली नहीं होना चाहिए. हर रो में कम से कम एक ए आना जरूरी है. रवि कुमावत चेक करें. अमन करेक्ट है. वेरी गुड अमन. अर्णव यादव चेक करिए. हर्ष अंबारते चेक करिए. अंशु चेक करिए. अर्थव चेक करिए. चलिए तो देख लीजिए आप इसको. तो
तो अभी हर्ष मेश्राम अपन को बताने जा रहे हैं। नहीं चेक करो हर्तव, हर्ष मेश्राम सबसे पहला आंसर किए और करेक्ट किए हैं, बाकी बच्चों को थोड़ा शेयर करें हर्ष मेश्राम कैसे आपने आंसर किया। सो वो बॉक्सेस को फुल करने के लिए दो केसेस रहेंगे, एक अगर जो सबसे लंबी रो है उसमें चार ए डाल के नीचे में दो ए डाले, और दूसरा केस है चार वाला जो है वो फुल करके ऊपर वाले इसमें दो केसेस डाले, तो वो टोटल जो सिक्स ए जो है वो पूरे आठ बॉक्सेस में जाएंगे, तो उसका केस उसका मतलब कॉम्बिनेशन होगा एट सी सिक्स, और उसके लिए दो केसेस होंगे तो उसमें से माइनस कर देंगे, तो एट सी सिक्स माइनस टू, तो फिर उसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, आप सभी को आई होप समझ गया होगा, यही इसका एकदम एक्यूरेट अप्रोच है जो अभी हर्ष मेश्राम ने आपके साथ शेयर किया। क्वेश्चन आपको समझना है और क्वेश्चन आपको ये बोला है कि आठ बॉक्स आपको दिए गए हैं फिगर में और आपको उसमें छह ए को डालना है, मतलब छह प्लेसेस चूज करनी है, बट इस तरीके से चूज करना है कि कोई भी पर्टिकुलर रो, तीन रो है यहाँ पर, रो नंबर वन, रो नंबर टू, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं उनको रो बोलते हैं, तीन रो है यहाँ पर, तीन रो में से कोई भी रो खाली नहीं होना चाहिए। तो जो अभी हर्ष मेश्राम ने आपके साथ शेयर किया वो ये है कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास टोटल आठ प्लेसेस हैं और आठ प्लेसेस पे मेरे को छह ए को फिलअप करना है, तो जो टोटल नंबर ऑफ बेस हो जाएंगे वो आएंगे एट सी सिक्स, आठ में से छह को अपन ने, मतलब आठ ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से छह को मेरे को चूज करना है, तो एट सी आर, ये टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन हो गए। अब लेकिन इन सिलेक्शन में दो सिलेक्शन जो हैं वो ऐसे हैं कि जब कोई ना कोई एक रो आपका पूरे तरीके से खाली हो जाएगा, और वो है कि जब मैं चारों ए, चार ए यहाँ पर डाल दूं और दो ए यहाँ पर डाल दूं, तो ये पूरा रो एक तरीके से खाली हो गया, तो एक केस ये बनेगा, और दूसरा केस बनेगा तब जब मैं चार ए यहाँ डाल के दो ए यहाँ डाल, ये दूसरा केस बनेगा। इन दो सिचुएशन में हमेशा एक रो खाली रह जाए, तो ये जो एट सी सिक्स का वैल्यू आता है, 8C6 का वैल्यू पावर प्रॉपर्टी से 8C2 के बराबर होता है, विच इज 8 इनटू 7 बाय 2 विच इज 28, टोटल 28 तरीके होते हैं, और इन 28 तरीकों में से ये दो वे, ये 28 तरीके से आप, मतलब 28 में ये हो गया कि ये इधर दो आ जाए, इधर दो आ जाए, इधर दो आ जाए, कोई भी रो खाली नहीं होगी, इधर एक आ जाए, इधर चार आ जाए, इधर एक आ जाए, कोई भी रो खाली नहीं होगी, ऐसे ऐसे टोटल 28 बनेंगे, और इन 28 में ये दो केस जो मैंने अभी आपको बताया ये भी इंक्लूडेड है, कि मान लो जब आप इनको ए को ऐसा डालते हो तो ये पूरी रो खाली रह जाती है, जब ये वाले दो उठा के यहाँ डाल देते हो तो ये रो खाली हो जाती है, और आपको बोला है कि हर रो में एटलीस्ट एक ए होना जरूरी है, इसलिए ये जो दो केस बनेंगे ये टोटल में अपन सबट्रैक्ट कर देंगे, और इसलिए टोटल नंबर ऑफ ए 26 26 जो है वो सही आंसर है। जिन बच्चों का अभी भी इस क्वेश्चन में डाउट है वो पूछ लीजिए, तो टेक दी स्क्रीनशॉट, कल अपन कॉम्बिनेशन थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे और इसमें, ठीक है, तो कल कुछ ऑब्जेक्ट्स पे अपन चर्चा करेंगे जो जिनमें आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होंगे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, हम एक भी सिलेक्ट करेंगे, दो भी करेंगे, दो से ज़्यादा भी करेंगे, तो कल अपन कॉम्बिनेशन फिर से शुरू करने वाले हैं, ठीक। सो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में, धन्यवाद, बाय, गुड नाइट। प्रणव इंग्लिश है क्या इसमें? चले गए कि बैठे? चले, चलिए, बाकी कल की क्लास में, आज के लिए फिलहाल बाय बाय सर, बाय बाय, बाय शब्बा खैर, ओके शब्बा खैर, बाय।